भी खाने की तलाश में जुटे हैं। विंध्याचल धाम के त्रिकोण पथ पर पहाड़ों पर रहने वाले बेजुबान जानवर गर्मी और भूख से बेहाल हैं। ऐसे में इन बेजुबानों के लिए मिर्जापुर के एक साधु योगानंद जी मसीहा बनकर सामने आए। इन्होंने लॉकडाउन तक जानवरों से दोस्ती निभाने और उनकी भूख मिटाने का प्रण लिया है। लॉकडाउन होने की वजह से आज यहाँ कोई आने वाला नहीं है, इसलिए ये लोग एकदम भूख प्यास से बेचैन है और इनको देने वाला कोई नहीं है। जब हम लोगों ने देखा कि यह लोग गोबर मिट्टी खा रहे हैं, तब से हम लोगों ने इनकी सेवा करना प्रारंभ कर दिया। इस साधु दोस्त की एक आवाज पर क्या बंदर, क्या गाय, क्या कुत्ता, सभी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं। फिर सभी जानवरों को खीरा, केला, चना और बिस्किट बारी बारी अपने हाथों से खिलाते हैं योगानंद महाराज। जब से लॉकडाउन हुआ तब से एकदम मित्रतापूर्ण व्यवहार हो गया है और ये लोग एकदम मित्रतापूर्ण तरीके से आते हैं, भोजन करते हैं और अपना आनंद करते हैं। असल में लॉकडाउन के दौरान विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं का आना बंद है, जिसकी वजह से इन जानवरों को दाना पानी मिलना बंद हो चुका है। पहले कोई ना कोई भक्त इन्हें खाना दे देता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद पहाड़ और मंदिर के इर्द गिर्द रहने वाले बंदर, लंगूर, गाय भूखे पहाड़ों पर घूमने को मजबूर हैं। इन जानवरों की मदद के लिए कुछ युवाओं की मदद से साधु योगानंद ने इनको खाना खिलाने की रोज की दिनचर्या अपनाई है। यही नहीं, इन तस्वीरों को देखकर आप भी हैरान होंगे कि साधु के हाथ से खाने